ये है सी लेक, ये हमारा जीरो में है अरुणाचल प्रदेश। चलिए मैं आज सी लेक को एक्सप्लोर करने आया हूँ। ये मैन मेड लेक है, स्पेशली यहाँ के लोग वाटर कंजर्वेशन को लेते हुए एक प्रोग्राम शुरू किया है। जीरो में इस तरह का दो लेक है, एक सीके लेक और ये है दूसरा सी लेक। इसमें बहुत सारा फ़ायदा है, मैं आपको थोड़ी बात में इसका लेक को दिखाते हुए इसका बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफिंग करूँगा। फ़िलहाल ये एंट्री पॉइंट देख आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पार्किंग प्लेस अवेलेबल है, बहुत बढ़िया है इसका। ये टिकट काउंटर है, अभी इसमें बन रहा है, अंदर कंस्ट्रक्शन है। ये लोग आपका रेस्टोरेंट वगैरह है, गेट एंट्री वहाँ से था। तो यहाँ से अब मैं आपको इसका बारे में थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये सी मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का तरफ से ये चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है, और ये है आपका, आप इसमें इसका डिटेल थोड़ा आप ले देख सकता है। ये है वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसका जो डिटेल कब हुआ किसने किया इसका सब डिटेल इसमें है, आप देख सकता है किस पर्पज से है। तो इसका अंदर का नज़ारा मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा। यह आपका एंट्री है या टिकट काउंटर, आपका पर हेड आपका 20 रुपीज़ लेता है। ये लोग बोटिंग का तो 100-150 है बोटिंग में से का। तो ये इसका नज़ारा देख सकता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी अंदर कंस्ट्रक्शन में है लेकिन बहुत सारा चीज़ बन चुका है, और इसको सुंदरता देने के लिए अभी और बहुत सारा काम भी चल रहा है। ये लेक यहाँ है, फिर यहाँ से इसको बंद किया है, ये फिर यहाँ से पानी बाहर, यहाँ से वाटर जो ले जाएगा वो ओवरफ्लो का है, पानी जो निकल रहा है, फिर इसका बाहर आउटपुट जाएगा। वह अभी आप देख सकता है, वह अभी बैठने का जगह है नीचे में। अब बहुत खूबसूरत जगह है ये, तो वह रिसोर्ट, वह भी आपका रहने का रिसोर्ट वगैरह भी बना के रखा है। वहाँ में प्रोग्राम वगैरह होगा, जब कॉन्सर्ट वगैरह होता है तो उसके लिए भी स्टेज वहाँ अंदर कंस्ट्रक्शन में अभी चल रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत दूर तक फैला हुआ है ये लेक, बहुत ही खूबसूरत है। या आप देख सकता है वह ब्रिज भी बना हुआ है, तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत यहाँ के लोग ने इसका एक बहुत ही अच्छा से प्रयोग किया है। नेचर का, नेचर को बैलेंस करते हुए इन्होंने ये सब किया है। आजकल देख रहा है साइंटिफिक एज में डेवलपमेंट के चक्कर में क्या करता है, लोग नेचर को बर्बाद कर रहा है। तो यह क्या है, आप इसमें रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है, साथ में नेचर का भी एक बैलेंस में, नेचर का जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस को भी आपका लेते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट लेके गया है, बहुत ही मतलब आप अप्रिशिएट करने का लायक है। यहाँ पे मिले हैंग आउट हो सकता है, आप देख सकते हैं वहाँ बोटिंग, हर प्रकार का बोटिंग है यहाँ। अब ऊपर में वो आप जब ऊपर देखिएगा उस साइड में, उसमें आपका ये भी है रेस्ट हाउस बनाया है, तो बच्चों का खेलने का जगह है, फैमिली है, हैंग आउट के लिए आपका रेस्टोरेंट वगैरह है। तो बहुत अच्छा जगह है, कूल है, नेचर इतना गर्मी नहीं है यहाँ का, बहुत ही बढ़िया, माइंड फ्रेशिंग, माइंड को एकदम फ्रेश ही एकदम फ्रेश कर देता है यह जब आता है। जब मेंटली आप डिप्रेशन में हैं तो आपको लगता है कि एक साइलेंट, एक अच्छा कूल, एक अच्छे एटमोसफेयर के साथ में आपको, जब आप खुद को महसूस करना चाहता है तो आप
यहाँ आ सकता है, कभी विजिट कर, कभी विजिट कीजिए, यहाँ बहुत ही बढ़िया से बनाया है। ये है सबसे जगह है। आप फैमिली के साथ आके हैंग आउट कर सकते हैं। ये है, आज हम अपने फ्रेंड्स के साथ आया है, या सी लेक जीरो में है। ये है मेरा फ्रेंड ईटानगर से। आप भी जरूर आइए, बहुत बढ़िया जगह है। सुना होगा मेरा व्यूअर्स, ये बहुत ही बढ़िया जगह है। ये जीरो जीरो में ऐसा मैन मेड लेक दो है, वाटर कंजर्वेशन को लेते हुए यहाँ के लोगों ने बहुत ही इनोवेटिव वे में, एक तो है यहाँ का फ़ायदा ये है कि यहाँ का पानी जो वाटर कंजर्वेशन, पानी का यूटिलाइजेशन होगा इरिगेशन पर्पस में और बहुत सारा चीज़ में आपके पानी का यूज़ होगा, और दूसरा है इसमें फिशरी वगैरह भी है, मछली वगैरह बहुत हैं, और तीसरा है इसमें एक टूरिज्म सेक्टर को लेते हुए यहाँ का जो लोग हाइजीनिक मेंटेन करते हुए बाहर के लोग देखने आएगा, तो या जब भी विजिट करेंगे तो इसमें रेवेन्यू जनरेट वगैरह भी होता है, तो बहुत सारा इसमें मतलब फ़ायदा है ये वाटर कंजर्वेशन को लेते हुए। तो बहुत ही इनोवेटिव हमारे अरुणाचल में अपतने ट्राइब को एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, एक बहुत ही क्रिएटिव एक समाज माना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोग किस तरह हमारे नेचर को मेंटेन करते हुए, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाते हुए चीज़ को बहुत बढ़िया से लेके जो चल रहा है, बहुत ही एप्रिसिएशन का लायक है। तो जितने मेरे बाहर के लोग भी अगर मेरा व्यूज, मेरा जो व्यूअर्स मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी इस तरह के जो इनोवेटिव आइडियाज़ को डाल लेते हुए अपने जो समाज है, अपने जो सराउंडिंग है, अपने जो आसपास को सुंदरता करते हुए आप इकोलॉजिकल जो फ्लोरा एंड फौना को मेंटेन प्रिजर्वेशन करते हुए आप एक नेचर को एक बहुत ही सुंदर रूप दे सकता है। ये है सी लेक, हमारा जीरो में है ये लोकेटेड, बहुत ही बढ़िया जगह है। आज एक्चुअली हम ईटानगर से अपने जगह की ओर जा रहा था, तो सोचा ये लेक को भी विजिट करके देखो। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम, आज ये मेरा पहला ये है, कभी इसमें मैंने विजिट नहीं किया। हाईवे से कुछ ही मीटर, कुछ ही ये का है, हार्डली 1 किलोमीटर जैसा ही होगा साइट उसका दूरी, जो बहुत अच्छा रोड कनेक्शन है, इसमें रोड कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, बहुत ही बढ़िया जगह है। आप
इसका नज़ारा देख सकता है। ये इसमें मछली वगैरह भी बहुत है, आप देखिए। वह या बोटिंग का फैसिलिटीज़ भी है, आप देखिए। फैमिली आप हैंग आउट वगैरह कर सकता है फैमिली को लेके। और यहाँ आसपास में बहुत सारा रिसोर्ट है, रिसोर्ट है जो आप फैमिली मेंबर्स को लेके या होम स्टे वगैरह है। तो कोई भी टूरिस्ट, कोई भी बाहर से कोई लोग आता है तो आपको यहाँ रहने का कोई इशू नहीं है। आप रहने का आपके लिए एनी टाइम आपका रहने का जगह, सोने का जगह, लॉजिंग, फूडिंग, एवरीथिंग अवेलेबल है। तो इसमें आपको चिंता होने का कोई बात नहीं। आप सिर्फ यह जगह आ जाइए, आने का बाद में। और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छा है, आपका वेलकमिंग नेचर है, चीज़ को बहुत ही अच्छे वे में हमारा समाज को वह प्लेस करता है, समाज का रहन सहन को भी। यहाँ के लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो मेरा जितना भी, हमारे जितने भी लोग हैं आउट ऑफ हमारे ये अपतने जो ट्राइब्स का, हम सभी को सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। हर ट्राइब से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए अभी देखते हैं, यहाँ बहुत सारा, अभी भी देखिए डिफेंस का लोग भी यहाँ आता है। अभी वहाँ देखिए डिफेंस का लोग भी आया हुआ है, यहाँ आता है, मॉर्निंग वॉक वगैरह करता है। और अपनी फैमिली के साथ बाहर से बहुत फॉरेनर भी आया हुआ है अभी। तो चीज़ कहीं ना कहीं, अगर हम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जगह अगर जब चलता है तो कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है। तो हमारे जो सीखे हैं उसको हम अपने वीडियो के थ्रू में शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो एक ब्लॉग बनाया है। बहुत ही बढ़िया जगह है, आप देख सकता है, यहाँ लोग आता है, एंजॉय करता है, खुद को एक रिफ्रेश करके वो चला जाता है। बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। आप सब भी कभी आइए और विजिट कीजिए ये जगह, सी लेक। एक तो ये सिक्के लेक और आगे में है, ये सी लेक है, बहुत ही बढ़िया जगह है। तो ये है मेरा फ्रेंड्स लोग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मार्लीज़ ब्लॉग। थैंक यू सो मच। ये है मेरा दीदी, आज इसका लिए गाड़ी लेने आया था तो सोचा आज यही हम विजिट कर लेगा बोल के। आज बहुत अच्छा ये लग रहा है, नया गाड़ी भी है, नया जगह है, नया मौसम भी बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है। हम स्पेशली मेरा दीदी को थैंक यू कहना चाहेगा, आपका कारण आज नया गाड़ी में नया जगह भी देखने मिला है।